गुरुदेव। बाबा जी का यह उद्देश्य, विश्व गुरु हो भारत देश, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। टाटा सबके ये कही, सदा रहे गुरुदेव, तुमको लाख प्रणाम है, सत गुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 12 नवंबर 2020 को अपराह्न बेला में उज्जैन आश्रम पर धनतेरस के दिन हमको आपको कुछ कहने और सुनने का मौका दिए। ये तीज और त्योहार जो आते हैं, इनका अलग अलग इतिहास है और इनके अलग अलग पूजा पाठ की विधि है और इनका अलग अलग महत्व और लाभ है। अब यह है कि जब ये तीज और त्योहार बनाए गए थे तब तो लोगों को लाभ मिल जाता था, क्योंकि सही तरीके से पूजा पाठ लोग करते थे, देवताओं को खुश करते थे, तो वो फल भरपूर दे देते थे। लेकिन अब पूरा फल नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है, तो भाव और भक्ति के अनुसार मिलता है। जिस हिसाब से आदमी का भाव रहता है उसी हिसाब से उसकी उसके प्रति भक्ति रहती है और फिर वो भक्ति का फल पा जाता है। तो आज देखो, लक्ष्मी, गणेश, कुबेर का लोग पूजन करते हैं, इसका एक इतिहास है। पौराणिक ग्रंथों में लिखा हुआ मिलता है कि देवासुर संग्राम के समय पर राक्षस और देवताओं के युद्ध के समय पर समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें कई चीजें निकली थी मंथन में। 14 रत्न जिसको कहते हैं, 14 रत्न निकला था, वो सब का सब आदमी के लिए गुणकारी था। लेकिन एक विष भी निकला था, श्रीपद रंभा बारुणी हमें वृद्ध गजराज कल्प सहन मंत्र विश्वास, तो ये यानी समझो कि 14 चीजें निकली थी मंथन में। जैसे दूध को जब मथते हैं, बिलोते हैं, तो उसमें से क्या निकलता है?
मक्खन निकलता है, मक्खन को गर्म कर दो तो घी बन जाता है। ऐसे ही अनि ये निकली थी, तो जैसे मक्खन सबसे पहले निकलता है, अब उसको जिसको तरीका मालूम है घी बनाने का, वो उसको गर्म करता है और फिर घी निकल आता है। अब वो भी देखो, किसी किसी का गर्म किया हुआ घी में खुशबू रहती है, स्वाद रहता है, और अगर ज़्यादा देर तक गर्म हो गया तो स्वाद खत्म हो जाता है, उसमें हल्की सी अन जलने की खुशबू आ जाती है। इसी तरह से ये चीज़ें निकली, और जो उन चीज़ों से अन्य समय लोग के तरीका सीख गया कि इस तरह से हमको लाभ हो जाए, इस तरह से हमको जैसे बताया कि घी का स्वाद मिल जाता है, इसी तरह से लाभ मिल जाए, तब तो मिल जाता था। लेकिन जब इसको जानकारी नहीं होती थी, वो पहले के समय में भी महरूम रह जाता था, तो उसमें से ये चीज़ें निकली थी। तो अब आप ये समझो कि खड़ा निकला था, किसका? अमृत का। तो कहते हैं कि घड़ा लेकर के कौन निकला? धन्वंतरी। आज देखो, आज ही के दिन अन्य समझो कि मंथन में ये चीजें निकली थी, कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को। कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी आज रात को लग जाएगी, अभी तो द्वादशी ही है, निकला था। तो अब आप समझो कि आज ही धन्वंतरी का जन्मदिन भी मनाते हैं। धन्वंतरी कौन थे, वो क्या विशेषता थी उनके अंदर, जड़ी बूटियों के और मनुष्य के शरीर की रचना के बड़े जानकार थे। देखो, उनका जो सिद्धांत था, वसूल था, या उनके जो नियम थे, उसको जब ये पढ़ लेते हैं विद्यारथी लोग और उसको समझ लेते हैं, तो ये वैद्य कहलाने लगते हैं, वैद्यराज कहलाने लगते हैं। जो ज़्यादा ज्ञान ले लेते हैं, वैद्यराज हो जाते हैं। जैसे पीएचडी की डिग्री होती है, डीलिट की डिग्री होती है, जो ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं, बच्चे पढ़ करके एमए करके और पीएचडी कर लिया तो ज़्यादा जानकार हो गए, इसी तरह से उनमें भी होते हैं। तो शरीर की रचना के बारे में भी पढ़ाया जाता है कि शरीर की रचना कैसे हुई और किस तरह से ये नाड़ियाँ चल रही हैं, कितनी नाड़ियाँ हैं। तो सारी चीज़ें तो आयुर्वेद में नहीं आती हैं, कुछ यानी उसकी शाखा अलग है जिसको आध्यात्मिक शाखा कहा गया, लेकिन बाहरी रचना और बाहर से यानी जो समझ जाते हैं, यानी समझ लो कि वो वैद्य हो जाते हैं, वैद्यराज हो जाते हैं। तो धन्वंतरी जो थे इसी चीज़ के जानकार थे, तो आज उनका जन्मदिन भी मनाया जाता है, सरकारी तौर पर भी आज उत्सव मनाए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का इजहार उन्होंने किया। इसी प्रकृति में से जड़ी बूटियों को खोजा और लोगों को बताया कि इस तरह के जब लक्षण हों, जैसे छींक किसी को आती हो, उस समय लोग के यानी अंदर गर्मी थी और ठंडी, यानी कोई चीज पड़ गई पेट में या ठंडी हवा लग गई, तो गर्मी ठंडी असर से ये जो है छींक आने लग गई, रुकावट आने लग गई। छींक आने का मतलब क्या होता है, थोड़ी देर के लिए शरीर का जो ये सिस्टम होता है वो बंद हो जाता है, यानी जैसे किसी का सांस बंद हो जाए। देखो, छोटे बच्चों को छींक जब आती है तो माताएं क्या कहती हैं, शतन जी, अन्य समझो तुम्हारी अन्य 100 वर्ष की उम्र हो जाए, बढ़ जाए, अन्य ऐसा बोलती हैं। क्योंकि उसी समय अगर समय लो कि सांस रुक गया और रुक ही गया तो शरीर छूट जाता है, तो वो ये लक्षण किस लिए होता। अब इसका उपचार क्या है, इसकी दवाई क्या है, ये दवाई भी बताए। देखो, नाड़ी का बड़ा ज्ञान था, नाड़ियाँ हैं ना 72,000 नसें जिनको नाड़ियाँ कहते हैं,
ऐसे हाथ में भी यह नाड़ी चलती है और इसका संबंध कहाँ से रहता है, यानी अंदर से रहता है, शरीर से रहता है अंदर, वैसे तो संबंध यहाँ से रहता है, कहाँ से, जहाँ पर जीवात्मा बैठी हुई है यानी दोनों आँखों के बीच में, यानी समझ लो कि जो तीसरी आँख है उससे करीब इतना पीछे ये बैठी हुई है तो ये वास्तव में यहाँ पर, लेकिन दिखाई यहीं से पड़ती है और मालूम पड़ता है बिल्कुल यहीं पर बैठी हुई है। जैसे कोई कोई सुरंग देखो बहुत लंबी रहती है, लेकिन उसका जो गेट होता है मालूम पड़ता है कि बस थोड़ी ही दूर पर है आगे वाला, वो जो रोशनी दिखाई पड़ती है बाहर के सुरंग की उसको नजदीक दिखाई पड़ती है। तो संबंध तो इन नाड़ियों का वहां से है यानी जो शरीर के अंदर हैं, तो इनकी गति जब बढ़ जाती है धड़कन तेज हो जाती है, गति धीमी हो जाती है, तो समझ लो पेट में कब्ज है या कोई चीज है कि जिससे रुकावट हो रही है इसके चलने में। तो बड़ा ज्ञान था उनको, आप समझो कितना ज्ञान था कि उस समय पर पर्दा नशीन औरतों का नब्ज यानी समझो वैद्य लोग भी नहीं देखते थे, बीमार का इलाज बहुत ही जब बीमारी आ जाती थी तब लोग कराते थे, नहीं तो परहेज करके घरेलू नुस्खे लोगों को मालूम रहते थे, उसी से लोग परिवार वालों को और अपने को ठीक कर लिया करते थे, और जब संयम और नियम से रहते थे तब इतनी बीमारियां भी नहीं थी, बीमारियां आती ही नहीं थी, खान पान लोगों का सादा रहता था, पूजा पाठ में इसी में साधना हो जाती थी, या जो प्राणायाम व्यायाम और ये सब साधना उसी में हो जाती थी। तो लोगों का नियम था पेट को खाली रखना, इतवार का, मंगलवार का, एकादशी का उपवास करना, ये सब नियम था, तो बीमारियां कम होती थी, और अगर हो भी जाए बीमारी तो पर्दे के अंदर औरतें रहती थी, तो उनके हाथ में ऐसा धागा, कच्चा धागा बांध करके और दूर वैद्य को पकड़ा रहते थे, और वो उसी से देख करके नब्ज की गति को मालूम कर लेते थे और दवा बता देते थे, ठीक हो जाती थी। धन्वंतरी का बड़ा नाम था, आप ये समझो कि अरब से एक हकीम ने एक आदमी को भेजा, कहा देखें कितनी जानकारी है उनको, परीक्षा लिया जाए। तो आदमी चला, चिट्ठी लिख करके भेजा और कहा जाओ तुम इमली के पेड़ के नीचे रात को सोना, इमली की लकड़ी से भोजन बनाना और इमली की दातून करना, 6 महीना लगा वहां से यहां पहुंचने में। तो उसको रोग हो गया, चर्म रोग, कोढ़ जिसको कहते हैं, इस तरह की बीमारियां हो गई, उंगलियां सुन्न होने लग गई, टेढ़ी होने लग गई, कहीं कहीं घाव भी बन गया शरीर में। जब यहां पहुंचा और चिट्ठी इनको दिया, इन्होंने पढ़ा, तो वो तो एक बहाना था चिट्ठी का, उनको तो परीक्षा लेनी थी कि धन्वंतरी को जानकारी कितनी है। तब उन्होंने उससे पूछा कि ये बताओ कि इसी हालत में, जिस हालत में तुम हो, हकीम जी ने तुमको इसी हालत में मेरे पास भेजा या चले थे तब तुम ठीक थे? बोला मैं चला था तब ठीक था। पूछा तो तुम रात को कहाँ रुके? उस समय होटल तो थे नहीं, अपने हाथ से लोग पकाते थे, खाते थे। पूछा पकाया खाया कहाँ? इमली के पेड़ के नीचे, लकड़ी किसकी जलाई? इमली की, धातून भी इमली का किया। तब उन्होंने कहा कि अच्छा अब इस चिट्ठी का जवाब मैं तुमको दे देता हूँ और लेकर के जाओ और हकीम साहब को दे देना, लेकिन इधर से जब तुम जाओ तो नीम के पेड़ के नीचे सोना, नीम की दातून करना, नीम की पत्ती को खा लेना सुबह उठकर 3-4 पत्ती को, और
नीम की लकड़ी से भोजन पकाना खाना, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल ठीक हो गया, उसी तरह का हो गया। तो हकीम साहब ने कहा, तुम जैसे हो ऐसे ही थे, या तुम्हारे शरीर में कोई फर्क पड़ा था जब वहां पहुंचे थे? तब उसने दिखाया, कहा देखो ये मेरी उंगलियां, ये बिल्कुल टेढ़ी हो गई थी, और ये देखो ये चकट्ठा पड़ा हुआ है, यहाँ घाव हो गया था, लेकिन उधर से जब मैं आया आपने जैसा कहा था वैसा कटा हुआ गया, और उधर से जब उन्होंने बताया और आया मैं वैसा ही कटा रहा, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बताया तुमको? उसने बताया नीम के बारे में, तो उनको यह विश्वास हो गया कि वो मेरे से भी ज्यादा जानकार है। हकीम ने तो ये सोचा था कि जाएगा इसका खून खराब होगा, लौटेगा तो मैं इसका इलाज करूंगा फिर अपने तरीके से। तो अब आप ये समझो कि उनका भी जन्मदिन है आज। आज के दिन लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं, गणेश की पूजा करते हैं और कुबेर की पूजा करते हैं। कहते हैं कि आज अगर लक्ष्मी खुश हो जाएंगे तो अन्य समय लोग के धन का भरा भंडार कर देंगे, कुबेर भी खुश हो जाएंगे, वो लक्ष्मी जो धन बरसाएंगे उसमें वो बढ़ोतरी कर देंगे, क्योंकि रिद्धि सिद्धि अन्य समझो उनके साथ काम करती हैं। रिद्धि सिद्धि का काम होता है तो बढ़ा देना, कुबेर जी संभालेंगे, रिद्धि सिद्धि उसको बढ़ा देंगे, तो मैं जानी मानी हो जाऊंगा। तो आखिर ये है कौन, इसकी जानकारी लोगों को नहीं हो पा रही है। आप समझो कुछ ही लोगों को है, बाकी लोग यही कहते हैं कि दादाजी पूजा करते थे, पिताजी करते थे, घर वाले करते हैं, रिश्तेदार करते हैं, तो आज के दिन लक्ष्मी की पूजा की जाए, गणेश की पूजा की जाए, कुबेर को खुश किया जाए, अपने अपने गद्दी पर, दरवाजे पर, पूजा स्थल पर इनका अन्य लाल रंग से नाम लिख दिया जाए, तो अन्य समझो कि फूल पत्ती चढ़ा दिया जाए, तो ये खुश हो जाएंगे। अब आप ये समझो फूल में अन्य समझो कि शाखाएं होती हैं, पत्तियां, पत्तियों से वो फूल बनता है, उसका रूप बदल जाता है तो फूल बन जाता है, फूल का रूप जब बदल जाता है तो वही फल हो जाता है। तो फूल चढ़ाते हैं कि फल मिल जाए, तो फूल चढ़ाते हैं, पत्ती चढ़ाते हैं, जैसे शिव जी को कहते हैं कि बेर की पत्ती इनको चढ़ाओगे खुश हो जाएंगे। तो लोगों की सोच यह है कि शिव जी भांग खाते थे और बेल की पत्ती खाने से अन्य समझो नशा कम होता है, तो कोई बहुत ज़्यादा नशे में हो और उससे कुछ काम लेना हो, कुछ प्रार्थना करनी हो, अपनी प्रार्थना स्वीकार करानी हो तो नशा कम होगा, तभी वो आपकी प्रार्थना स्वीकार करेगा, आपको कुछ देगा। तो लोगों की यह सोच बन गई कि शिव जी को बेल पत्र जब चढ़ाएंगे इनका नशा कम होगा, तब हमको ये अन्य फल देंगे। आप देखो शराब जब लोग ज़्यादा पी लेते हैं तो बेल की पत्ती खाते हैं कि इसका नशा कम हो जाए, बदबू थोड़ी कम हो जाए मुँह की। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये औषधि के रूप में हैं, जितनी भी जड़ी बूटियाँ और पौधे ये सब औषधि के रूप में अन्य प्रकृति ने बनाया, कुदरत ने बनाया था। अब इसकी जानकारी जब लोगों को हो जाती है तब तो उसका फायदा मिलता है, लेकिन शंकर जी इसका नशा नहीं करते हैं, गांजा भांग का या ढटूर का ये नशा वो नहीं करते हैं, वो तो दूसरे नशे में रहते हैं। किसके नशे में रहते हैं? भक्ति के नशे में रहते हैं, प्रेम के नशे में रहते हैं। अब उनको जो काम मिला हुआ है श्रृंगार का, श्रृंगार का काम तो करते ही करते हैं,
उनको तो करना ही करना है, वो कर्मों का विधान जब से बना तब से कर्मों की सजा तो मिलनी मिलनी है, सबको मिलती है। ये जरूर है कि जो उनके पावर में होता है उसमें थोड़ी रियायत कर देते हैं। जैसे हुक्म हो गया किसी सिपाही को कि जाओ मुजरिम को पकड़ करके ले आओ, अब वो मारपीट नहीं करेगा, खुश अगर होगा तो मारपीट नहीं करेगा, गाली गुप्ता नहीं देगा, लेकिन पकड़ करके मुजरिम को तो ले ही जाएगा थाने पर। रास्ते में पेशी कराते समय, जज के सामने पेश करते समय तकलीफ नहीं देगा, सजा नहीं देगा, प्रेम से ले जाएगा अगर खुश रहेगा तो, वो इतना ही कर सकता है। सजा से मुक्ति नहीं दिला सकता है। सजा को कौन माफ करता है? सजा को जज ही माफ करता है। तो आप समझो कि ये जो लक्ष्मी है और ये जो कुबेर हैं और ये गणेश जी हैं, ये आखिर हैं कौन? पूछो तो लोग बता नहीं पाएंगे, बस कहते हैं ये खुश हो जाएंगे। ये मंत्र पढ़ो, गणेश जी का मंत्र पढ़ो, लक्ष्मी जी का मंत्र पढ़ो, आप ये समझो कि ओम कलिंग पढ़ो, ओम कलिंग जपो, तो गणेश जी खुश हो जाएंगे। अब ये जो मंत्र बने, ये कहाँ से मंत्र बने, कैसे बने? ये आवाजें जिसने सुनी ऊपर की उसी को मंत्र बता दिया। तो जैसे किसी का नाम आप बराबर पुकारते रहो तो वो सुन लेगा, और उससे कुछ मांगोगे तो वो आपको दे देगा। तो इनके मुंह से जो आवाज निकलती है, ये जहां पर हैं वहां से जो आवाज निकलती है, उस आवाज से जब इनको पुकारोगे तो ये देख लेंगे, मदद कर देंगे। लेकिन जैसे बच्चा जब भूखा होता है तो रोता है तो वो आवाज अलग होती है, और बगैर भूख के अगर रोवे तो वो आवाज अलग होती है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो आवाज अलग होती है, लड़की की विदाई होती है वो आवाज अलग होती है, कोई किसी को मारता है वो आवाज अलग होती है, और हंसता है हंस करके गाता है, रो करके गाता है तो वो आवाज अलग होती है। आप तो समझो कोई बुढ़ा हो गया उसकी आवाज अलग होती है, ऐसे ही आवाज अलग अलग होती है। अब अगर तड़प की आवाज होती है और वो मंत्र को जपता है, उनको याद करता है, तो वो सुनवाई कर लेते हैं। तो क्या देते हैं? ये गणेश जी का मंत्र है, गणेश जी जब खुश होते हैं तो गणेश जी क्या देते हैं? आप ये समझो इनके जो माताहत लोग हैं, जहाँ इनके पास के लोग हैं, उनसे ये मदद करा देते हैं। तो इनके पास कौन है? कुबेर। गणेश जी का स्थान कहाँ है? जम्बो द्वीप पे, भारत खंड, आजावर्ते, कल युगे, कल प्रथम चरण, ऊपरी स्थान पर। लेकिन यह शरीर मानव मंदिर है, आपको बताया गया, सतपुरुष ने बनाया। आप समझो कि किस लिए बनाया, किस लिए उसने आने तैयार करवाया, बनाया किसने? इसके देश में आप रहते हो, काल भगवान, लेकिन मसाला उन्हीं कर दिया हुआ है कि जिससे यह शरीर आपका बना है, माँ के पेट में तैयार कराया, दया मेहर हुई उस मालिक की, और इनको प्रेरणा हुई कि अब आप इसको मनुष्य शरीर दे दो, तो इन्होंने माँ के पेट में अन्य समझो तैयार कराया। आपको पिछले सत्संगों में जो बराबर सुनते रहते हो बताया गया, इच्छे तरह की शक्तियाँ और ये जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये समझो ये सब इस शरीर को तैयार किए। और चूंकि इसके अंदर छह चक्र है, और छह चक्र और दूसरे जानवरों के अंदर है नहीं, किसी पशु पक्षी के अंदर, और इसी के अंदर यानी दिव्य दृष्टि है, आत्मचक्षु, शिव नेत्र जिसको कहते हैं, कि जिसके द्वारा
अनिष्ट जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाया जा सकता है, जहां से ये जन्मने और मरने से छुटकारा पा जाती है। अमरलोक जिसको कहा गया, सचखंड जिसको कहा गया, यानी अपना देश निज देश यानी जिसको कहा गया, ये वहां पहुंच जाती है। तो इस शरीर की जो रचना हुई है, यानी समझो वो पांच तत्वों से और इस तरह के जन्म अष्ट परिणामी वृद्धिशील शक्तियों से, अब ये ताना बाना इसका कैसा है, किस तरह से जैसे इंजन फिट होता है तो उसमें ऐसे तार इधर से उधर जोड़े जाते हैं, नली जोड़ी जाती है, पार्ट पुर्जे फिट किए जाते हैं, ऐसे ऐसे शरीर का पार्ट पुर्जा कैसा है। आप जो बराबर सत्संग सुनते हो, उनको पिछले सत्संगों में बताया गया है कि इसमें जो जीवात्मा है वो यहाँ पर दोनों आंखों के बीच में बैठी हुई है, और इसी जीवात्मा की ताकत से ये शरीर चलता है, और यहीं से यानी समझो कि नाड़ियां निकली हुई हैं, इंगला पिंगला सुषमना, यानी यहीं पर एक गांठ है आज्ञा चक्र के पास में, यानी एक गांठ है, यानी जड़ और चेतन के गांठ जिसको कहा गया, यानी ऊपर में है चेतन और नीचे ये जड़ है। जड़ किसको कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा नहीं सकता, तो इस शरीर को भी जड़ बताया गया। अगर इसके अंदर से ये चेतन शक्ति यानी निकल जाए, तो पक्षी जिसको किसी किसी ने कहा, ये पक्षी अगर उड़ जाए तो ये पिजड़ा, यानी जैसे तोता उड़ जाता है, पिजड़ा ऐसे खाली पड़ा रहता है, उसकी कोई कीमत नहीं रहती है, जब तक तोता पिजड़े में रहता है तब तक उसको भी साफ सफाई करते रहते हैं, उसको भी लटकाए रहते हैं कि भाई यानी समझो कि इसको कोई तोड़े ना, इसको कोई खराब ना करे, इसमें यानी गंदगी ना पैदा हो, कि जिससे तोता यानी को कोई दिक्कत ना आवे, बीमारी ना हो। इसलिए जैसे पिंजरे को साफ करते हैं, शरीर को भी साफ करते हैं, इसको भी स्वस्थ रखते हैं, लेकिन अगर पक्षी उड़ गया पिंजरे में से तो उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती है। ऐसे इस शरीर से जीवात्मा जब निकल जाती है तब ये क्षण हो जाता है। अभी जब तक ये जीवात्मा है, ये शरीर चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, पैरों से चले जाते हो, मुंह से बोलते हो, आंख से देखते हो, कान से सुनते हो, हाथ से काम करते हो, लेकिन एक बहुत सी छोटी सी किरण है, एक छोटा सा समझ लो नुक्ता जिसको कहा गया, परमात्मा का अंश जिसको कहा गया, इतना छोटा कि सुई के नोक का हजारों गुना छोटा कर दिया जाए तो भी वो छोटा ही रहेगा, तो वही इसको चला रहा है। तो जीवात्मा वो यहाँ पर बैठी हुई, उसके नीचे गांठ है, वो गांठ जड़ और चेतन के गांठ बताया गया, तो वहीं से यानी समझो कि ये नाड़ियां निकली हुई हैं। तो प्रमुख रूप से 10 नाड़ियां हैं जो यानी आंख कान और ये सब से जुड़ी हुई हैं, और उन्हीं नाड़ियों की वजह से इसमें संचालन होता है, आंख देखती है, कान सुनता है, यानी इस तरह से यानी उन नाड़ियों से जुड़ा हुआ है। लेकिन उसमें 3 प्रमुख नाड़ियां बताया गया था आपको कि इंगड़ा पिंगड़ा और सुषमना। तो जो सुषमना नाड़ी है, रीढ़ की हड्डी प्रमुख होता है, खास होता है, रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो शरीर नहीं उठ बैठ सकता, एक जगह दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हो। कहते हो कि दो चीज प्रमुख होती है, हेड जिसको कहते हैं, जैसे गाड़ी का इंजन का हेड होता है, हेड खराब हो जाए बाकी सारे पुर्जे सही हों तो गाड़ी नहीं चलती है। ऐसे आप ये समझो कि रीढ़ की हड्डी टूट जाए, जैसे चेसिस के ऊपर आप समझो कि गाड़ी का इंजन फिट होता है और उसी पर सारे यानी ऊपर के सिस्टम होते हैं, बैठने की सीटें होती हैं, बैठकर चलाने का सिस्टम होता है, लेकिन चेसिस अगर टूट जाए तो गाड़ी नहीं चल सकती है। ऐसे ही रीढ़ की हड्डी अगर टूट जाए या इसमें रुकावट आ जाए तो
गाड़ी नहीं चल सकती है, यह शरीर रूपी गाड़ियां नहीं चल सकती है। तो रीढ़ की हड्डी से होता हुआ ऐसे किनारे किनारे से ये ऐसे जैसे सांप चलता है उसी तरह से ये कहाँ पहुंचती है? गुदा। गुदा किसको कहते हैं? यहाँ से मल त्याग करते हुआ ये वहां पहुंचती है और वहीं से यानी फिर यानी नाड़ियां निकल करके ये ऊपर आँख कान और ये सब यानी समझो कि इधर आती हैं। अब जीवात्मा का प्रकाश उस पर पड़ता रहता है तो ये सब नाड़ियां चलती रहती हैं। तो सबसे नीचे का चक्र जो बताया गया वो कौन चक्र है? गुदा चक्र, जहाँ से आप मल त्याग करते हो। और ऊपर का चक्र कौन सा? आज्ञा चक्र। उसके बाद चेतन शक्ति मिल जाती है। तो अब आप समझो कि जीवात्मा वहीं बैठी हुई है उसी जगह पर, उसी के शक्ति से यह सब हो रहा है। तो यह गुदा चक्र कैसा है इसकी जानकारी हुई किसको? जिनको योगी कहा गया, योगेश्वर कहा गया, साधक कहा गया, जिनको किस चीज की साधना किए, आंखों के नीचे की साधना किया, जानकारी किया, जिन्होंने चक्रों का भेदन जिसको कहते हैं यानी अष्टांग योग हठ योग जिन्होंने किया, तो आप समझो कि उनको अलग अलग दर्जा मिला। आप समझो ऋषि मुनि योगी योगेश्वर संत इन सबका दर्जा है अलग अलग, आपको पिछले सत्संगों में बताया गया। तो चक्रों को रोका लोगों ने, बताया उन लोगों ने जिनको कामयाबी मिली कि इस तरह से तुम प्राणों को नीचे से खींचो और प्राण जब ऊपर की तरफ आगे बढ़ेंगे तो ऊपर की धार ये कम हो जाएगी और फिर धीरे धीरे रुक जाएगी। ऊपर से जो चेतन शक्ति आती है तो चेतन शक्ति जो ऊपर से आती है प्राणों पर आधारित होती है। तो प्राण जब ऊपर खींचा लोगों ने, प्राण कहाँ तक है? ये अंगूठे तक है। गुदा चक्र से लेकर के इधर का सिस्टम अलग है, गुदा चक्र की ताकत इसको चलाती है और ऊपर का सिस्टम अलग है, वो ऊपर से धार मिलती है, आप समझो वहां से ये चलता है। तो एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से सब ताकत पाते रहते हैं। तो नीचे से यानी समझो कि जब खिंचाव किया तो देखा कि चार दल कमल, कमल फूल होता, तो देखो उसमें पत्तियां होती हैं और देखो कई रंग के होते हैं। तो अलग अलग देवताओं को अलग अलग रंग का लोग फूल चढ़ाते हैं, पत्ती चढ़ाते हैं। पूछो क्यों ऐसा करते हो? तो कहते हैं ऐसे चढ़ाया जाता है, सब लोग चढ़ाते हैं तो हम भी चढ़ाते हैं। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600070। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय।